2020 के मोहन उप्रेती लोक संस्कृति सम्मान से आज आपको सम्मानित किया जा रहा है। ऐसी हमारी लोक माधुरी बसवाज के लिए बस जोरदार तालियां। अगले क्रम में मैं जिन शख्सियत का नाम है परम पूजनीय जो हमारे पितृ लोक में है, पितृ लोक में गए हैं और हमारे यहाँ आज मुझे लगता है कि वो भी अपने लोग से यहाँ पर झांक रहे होंगे और कह रहे होंगे क्योंकि हमारे यहाँ मांगल लोकिनों में सबसे बड़ा देवता पितृ देवता ही माना जाता है, तो वो भी हमारे पितृ हैं, उनको शत शत नमन करती हूँ। और कहा जाता है कि पितरा लोका पितरा लोका तक माखो लाला पितरा लोका तक माखो लाला किए गए उत्कृष्ट योद्धा और निर्देशित नाट्य प्रस्तुतियों के लिए प्रदान किया जा रहा है। आज इस मंच पर जितने भी हमारे दिग्गज शख्सियतों का सम्मान हो रहा है उनके परिचय में जितना कुछ भी कहा जाए वो कम है, इसलिए तालियों की गड़गड़ाहट बरकरार रखें। ये हम सबका सौभाग्य है कि हम ऐसी शख्सियतों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उनका आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि आज आप लोगों के सम्मुख रूबरू होने का मौका मिला और आप लोगों ने और मोहरम रेती जी के नाम जो धन्य है उस संस्था ने आज मुझे आमंत्रित किया है। मैं आपको बता दूं कि जिस संस्था युगमंच नैनीताल से मैं जुड़ा हूं उसके जो आधार स्तंभ रहे हैं गिरदार शेखर पाठक, लेरिन पंत जी, ब्रजेंद्र लाल शाह जी और मोहन गोयल, मोहन उप्रेती जी के साथ वर्कशॉप भी हम लोगों ने जो नैनीताल में एनएसडी की हुई उसमें उनके साथ दो बार काम भी किया है। एक बार भारत भवन भोपाल हम लोग नाटक करने के लिए गए थे तो वहां जो कुमाऊं परिषद है उनको पता चला और उन लोगों ने हमसे कहा कि हम लोग मोहन उप्रेती जी को सम्मानित कर रहे हैं भोपाल में, तो एक दिन आप हमारे लिए रुक जाइए। तो मैंने कहा अगर मोहन उप्रेती जी के लिए एक हफ्ता भी रुकना पड़ेगा तो हम लोग रुकेंगे। और हम लोगों ने उनके सम्मुख जो हमारा मशहूर नाटक है, नाटक जारी है, वो प्रस्तुत किया
और मोहनदास का जो उसने जो मिला हमें वो उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, बल्कि उसके बाद फिर वो नेशनल फेस्टिवल दिल्ली में हुआ संगीत नाटक अकेडमी के, तो वहां पूरे जो पर्वती कला केंद्र है दिल्ली का पूरी टीम को लेकर के मोहनदास वहां पर आए थे वो नाटक दिखाने के लिए। आज उनके शिव चरणों में मैं प्रणाम करता हूं और वो जहां कहीं भी होंगे आशीर्वाद उनको मिल रहा होगा। और भाई हेमंत, उनकी पूरी टीम और अल्मोड़ा के मेरे तमाम मित्र, तमाम बुजुर्ग और यहाँ के प्रथम नागरिक और डॉक्टर यशोधर मणिपाल जिनके साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला है, उन सभी के प्रति और तमाम तमाम लोगों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। स्नातक के उपरांत समाज शास्त्र में एमए बीएड एलएलबी किया। आप अल्मोड़ा के प्रतिष्ठित विद्यालय एडम्स गर्ल्स इंटर कॉलेज में समाज शास्त्र की प्रवक्ता रही। आपने सेवानिवृत्ति के उपरांत अल्मोड़ा में समाज के विकलांग और उपेक्षित बच्चों के लिए मंगलदीप विद्यालय की स्थापना 1998 में की। ये स्कूल जनपद में अपने किस्म का एक अनूठा और विशिष्ट विद्यालय है। आपके मार्गदर्शन में चल रहे इस विद्यालय में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ विभिन्न खेल, व्यवसायिक शिक्षा, कला, शिल्प का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इस स्कूल की स्थापना सुश्री मनोरमा जोशी जी ने अपने सेवा काल में अपनी अल्प बचत से किया। आपका सरल सहज स्वभाव समाज में आपके कद को और बड़ा करता है। आज उत्तराखंड और सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में रचना दिवस महोत्सव के अवसर पर आपको स्वर्गीय मोहन उप्रेती जी की स्मृति में वर्ष 2020 के समिति सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां सुश्री मनोरमा जोशी जी के लिए। समाज के विकलांग और उपेक्षित बच्चों के लिए मंगलदीप विद्या मंदिर की स्थापना कर एक उत्कृष्ट समाज सेवी का उदाहरण आपने प्रस्तुत किया, जिसके लिए उन्हें समिति सम्मान 2020 से सम्मानित करती है। मुझे लगता है कि एक बार ऊपर हाथ करके ताली बजानी चाहिए, क्योंकि ऐसे हमारे समाज सेविका है जिन्होंने सच्ची हम सबको कुछ अलग करने की प्रेरणा दी। परिवेश में साहित्य प्रभाव था, तो इडगर अलन पो की बुक्स
और लोपासा की बुक्स और एनाटोले फ्रांस की बुक्स की बात करती थी करते थे तो मुझे लगता था कि ये नृत्य वाली जीवन कैसे इतना जानकर। और कालांतर में जब परिचय साहित्य से हुआ तो मैं गदगद हुई उन महान आत्माओं के लिए। आपको एक बार अपनी अनुभूति बताती हूँ कि इस समय जब बच्चे थिरक रहे थे मुझे लग रहा था कि मैं भी थिरक रही हूँ और मुझे लक्ष्मी अंजलि ने पिता का स्नेह आशीर्वाद आया। मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैंने उस पल्लवित बीज को अपनी आंखों से फलते देखा, मासूम चेहरों में इन सुंदर से घुंघरू के झुंझुन में मैंने अपने को खोया हुआ पाया। मैं बहुत आभारी हूँ और आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ कि आप क्षेत्र में काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय मैं करा दूं क्योंकि विभू जी को जानकारी नहीं है इसकी मैं जानकारी दे पाया। गढ़वाल के ढोल वादक हुए हैं मौलू दास जी, उनको हमने 2008 में सम्मानित किया था और वो शारीरिक रूप से इस लायक नहीं कि वो आ पाए तो उनका सम्मान चिन्ह यही रह गया। तो आज 12 वर्ष के बाद उनके बेटे डॉक्टर पुरोहित जी से मेरी बात हुई कि आपने मौलूदास जी का नाम दिया था हमको, तो उनके परिवार से क्या कोई है जो आज भी इस ढोल की परंपरा को निभा रहा है? तो उन्होंने बताया कि हाँ उनके बेटे हैं और उनका बेटा भी उसको बजाता है। तो मैंने कहा ये बड़ा अच्छा संयोग है कि जो सम्मान चिन्ह उनका यहाँ है 2008 से 12 वर्ष हो गए हैं उस सम्मान चिन्ह को। तो हमारी ये कोशिश रही कि सम्मान हो वो सामान ना हो कि हम उसको बाईपोस्ट भेज दें फिर, तो उस धारा में ये अच्छा लगा कि मतलब उस पर वाला उनका पूरा परिवार है जो ढोल इतना भारी है और वो कंधे इतने मजबूत नहीं है, मतलब व्यवहारिक रूप में अगर देखा जाए तो भी वो संभाले हुए हैं। तो ये बहुत हाँ ढोगल सागर है पूरा, सही बात है। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पहले अखिलेश जी को कि वो आए और अपने पिता को पैसों से कोई मतलब नहीं रखा, अपनी ढोल विद्या को उन्होंने बचाया।
आज हम भी तो मामला ऐसा ही क्यों इस कला को हम जीवित रख रहे हैं, अपने बच्चे को पढ़ा भी रहा हूं और ढोर सागर को जीवित भी कर रहा हूं। और मैं सभी मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको महामंडल में हम दोनों माफों का नाम सभी लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जोशी जी को भी सत्सत प्रणाम। धन्यवाद। डॉक्टर हयाम सिंह रावत जी ने पत्रिका पहरा के माध्यम से कुमाऊं की बोली को भाषा तक पहुंचाने की मुहिम शुरू की। आज उत्तराखंड की इस सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में रचना दिवस महोत्सव के अंतर्गत लोक गायक नाट्य संगीतकार स्वर्गीय मोहन उप्रेती जी के स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में वर्ष 2020 के समिति सम्मान से आपको नवाजा जा रहा है। समिति सम्मान 2020 डॉक्टर हयात सिंह रावत जी को पहलू पत्रिका के कुशल संपादन कुमाऊँनी गोलक बोली के प्रचार प्रसार में किए जा रहे प्रयासों के लिए प्रदान किया सिंह रावत जी ने। आपने इंग्लैंड और पोलैंड में आयोजित इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल में भी प्रतिभाग किया। आज इस महोत्सव में स्वर्गीय मोहन उप्रेती जी की स्मृति में आपको वर्ष 2020 के समिति सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। बरसोदर तालियां उत्तरकाशी से हमारे बीच आधारित डॉक्टर सुमन रावत जी के। ये सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में सभी का गया था और मैं तो गवाह हूँ। यहाँ 7 तारीख से हर रोज छोटे बड़े कार्यक्रम का जो यहाँ हुआ बहुत मज़ा आया और मुझे लगता है कि शुरुआती जो भी हमारे महान भाव यहाँ आए एक एक आज जो कही
वो अपने आप में अविस्मरणीय है। अच्छा भाई मेरे सामने यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे उन्होंने युग मंच का जिक्र किया, ये सुधर मठवाल के उपाध्यक्ष रहे हैं, आप उपाध्यक्ष रहे हैं, आपका जो कार्यकाल रहा वो अपने आप में इतना सृजनात्मक रहा है, उसके बाद लीलाधरी जगोड़ी, उसके बाद आप और घना भाई हैं, तो यही है कि किस तरह से उस सोच के लोग इस सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाए, खास तौर से जो लोक संस्कृति एवं आपका विज्ञान शोध समिति जो है ये तारीफ के काबिल है, इस तरह का कार्यक्रम ये विगत कई सालों से कर रहे हैं। जहाँ तक मोहन उपेक्ति की बात है, मेरा सौभाग्य है, मैंने 86 में जब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एज ए स्टूडेंट गया था तो एशिया हाउस में वो रहते थे नईमा खान और मोहन उपेक्ति जी, मैंने उनका साक्षात्कार किया। उसके बाद जब मेरा चयन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हुआ